हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग में। या फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में शटरिंग वर्क तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा जो टॉपिक है रेनफोर्समेंट स्टील वर्क का है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप अगर नए बिलिंग वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बिलिंग वर्क अगर सीखना चाहते हैं। तो जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है रेनफोर्समेंट स्टील वर्क, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें BBS बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, और हमें रेट एनालिसिस करने के लिए भी रेनफोर्समेंट के कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये शीट देख रहे होंगे, कुछ मैंने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जो स्टील से रिलेटेड हैं वो नोट डाउन किए हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा, हाउ मच बेंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 टन स्टील, यानी कि हमें अगर रेट एनालिसिस करना है तो 1 टन में बेंडिंग वायर कितना कंसीडर करना है। उसके लिए मैंने इसमें ये, क्योंकि बेंडिंग वायर हमारा डिपेंड करता है सरिए के डाई के ऊपर, सरिए की स्पेसिंग के ऊपर, और बेंडिंग वायर के गेज के ऊपर। तो इसके लिए IS कोड में कुछ मेंशन नहीं है, ये लमसम में क्वांटिटी कंसीडर की जाती है। ये क्वांटिटी होती है 7 kg से 13 kg पर मेट्रिक टन, या 1000 किलो बोल सकते हैं। तो इसको अगर एवरेज में हम कंसीडर करेंगे, 13 + 7 / 2 10 kg पर मेट्रिक टन हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर रेट एनालिसिस के लिए। फिर उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द थंब रूल ऑफ स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन बाय कवर्ड एरिया। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की स्टील की क्वांटिटी निकालनी है थंब रूल से, तो कवर्ड एरिया में हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमारा जो स्टील कंसीडर किया गया है 4.5 kg से 4.75 kg पर स्क्वायर फिट, और जो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कंसीडर किया है 5 kg से 5.5 kg या 6 kg तक हम एज्यूम कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपका 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 kg या 4.5 MT आपका, इसमें कॉलम, स्लैब, बीम और फाउंडेशन सारा इंक्लूड होगा। और फिर चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो इसमें दिया है हमारा, व्हाट इज द थंब रूल ऑफ स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन बाय कंक्रीट वैल्यूम। जैसा कि अगर आपको कंक्रीट पता है कि 1 m³ में कितना स्टील आएगा, फाउंडेशन में, स्लैब में, बीम में, कॉलम में, तो उसके लिए फॉर स्लैब के लिए दिया है 0.8 से 1% फॉर कंक्रीट वैल्यूम, और बीम के लिए दिया है 1 से 2%, कॉलम के लिए दिया है 2 से 2.5%, और फुटिंग के लिए दिया है 0.6 से 0.8%। तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे हमारा कंक्रीट का वैल्यूम 1 m³ है, और फिर उसके मल्टीप्लाई करेंगे स्टील की डेंसिटी से, तो स्टील की डेंसिटी हमारी 7850 होती है। अगर आपको पता नहीं तो इस शीट में भी मैंने लिखा हुआ है जो नीचे आपको मिलेगा। तो 1 × 7850 अगर हम फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई मैंने किया है 0.8%। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 60 किलो 64 ग्राम आपका पर m³ स्टील फाउंडेशन में लगेगा। अगर ऐसे ही आप कॉलम का कर रहे हैं तो 0.8 की जगह आप 2.5% ले सकते हैं। तो बस इसमें आप 2.5 ये कॉलम के लिए मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन आपका निकल आएगा। तो फिर उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार टेकन फॉर रोलिंग वर्जन। अगर हमें रोलिंग वर्जन के लिए कितनी लंबाई की स्टील कंसीडर करनी पड़ती है, तो हमें सैंपल, अगर रोलिंग वर्जन हम किसी
लॉट का कर रहे हैं तो उसमें 3 नंबर्स स्टील बार लेते हैं, वो 1 1 मीटर का लिया जाता है। तो फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, स्टील वेट फार्मूला क्या है? ये सभी को पता होगा, स्टील वेट फार्मूला। अगर आपको डेंसिटी स्टील की पता है 7850 होती है, अगर उसका एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका वेट निकल के आ जाएगा। यह हमारा शॉर्टकट फार्मूला जो सॉल्व होके आता है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.27। ये सॉल्व करके जो हमारा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 फार्मूला है उसको सॉल्व करके निकाला गया शॉर्टकट में। तो इससे भी आप वेट निकाल सकते हैं, जैसे 20 × 20 mm डाया का बार है, 20 × 20 डिवाइड बाई 162.27, तो आपका ये वेट निकल के आ जाएगा 2.469 kg/m। तो ऐसे ही किसी भी डाया का आपका वेट निकालना है तो डाया स्क्वायर डिवाइड बाई 162.27। अब पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारा स्टील यूनिट वेट राउंड ऑफ या नियरेस्ट मेजरमेंट, तो जैसे कि आप बीबीएस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूनिट वेट होता है स्टील का, तो किस डाया तक हमें 3 डिजिट तक कंसीडर करना है और किस डाया के बाद हमें 2 डिजिट तक कंसीडर करना है। तो ये हमारा IS 1786 में 5.2 टेबल नंबर में दिया हुआ है, 12 mm डाया तक आपको 3 डिजिट तक कंसीडर करना है वेट उसका, जैसे 0.888 3 डिजिट तक, 12 का, 8 का, 0.395, यानी 12 mm डाया तक आपको 3 डिजिट कंसीडर करने हैं। उसके बाद आपको 2 डिजिट कंसीडर करना है, जैसे 16 का 1.58, 20 का 2.47। ये नहीं कि आप 3 डिजिट 4 डिजिट लिख रहे हैं बीबीएस शीट में, वो आपको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज द रोलिंग मार्जिन टॉलरेंस फॉर द नॉमिनल मास फॉर द बार, यानी कि हमारा रोलिंग मार्जिन जो हमारी जैसे स्टील साइड पे आ रही है वो अंडर वेट आ रही है ओवर वेट आ रही है। जैसे 1 मीटर का वेट हमें पता है स्टैंडर्ड वेट 8 का 0.395 होता है तो पर मीटर, तो अगर हमारा वो ज़्यादा आ रहा है 0.4 आ रहा है या 0.45 आ रहा है या आपका 0.3 आ रहा है, तो वो टॉलरेंस जो अकॉर्डिंग टू IS 1786 क्लॉज नंबर 6.2.2 में दिया है, वो उसका आपको पर वेरिएशन कहाँ तक कंसीडर करना है, अदरवाइज वो माल रिजेक्ट कर देना है आपको। वो 10 mm डाया तक आपका जो दिया है 7% है, 3 आप सैंपल कंसीडर करेंगे उसका जो परसेंटेज निकलेगा वो 7% तक, और फिर उसके ऊपर यानी कि 10 के बाद अप टू 16 mm तक आपका 5% है और 16 mm से ऊपर 3% है। फॉर एग्जांपल के लिए 100 mm डाया का एक्चुअल वेट, जैसे आपका 1 मीटर का वेट 1.67 आया और जो हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है 1.58, तो हमारा एक फार्मूला जो होता है इसको परसेंटेज निकालने के लिए, W1 − W2 / W2, यानी कि W1 जो हमारा है वो है एक्चुअल वेट और जो W2 है हमारा स्टैंडर्ड वेट है उसको स्टैंडर्ड वेट को डिवाइड किया हमने, इसको माइनस करके जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड किया अपने स्टैंडर्ड वेट 1.58 से, तो जैसे ये जो परसेंटेज निकल के आ गया, जैसे आपका हमारा 16 का एक्चुअल वेट जो 1.67 आ रहा है साइड पे और स्टैंडर्ड वेट हमारा 1.58, तो डिवाइड किया वो डिवाइड बाई 1.58 मल्टीप्लाई 100, तो आपको ये फार्मूला सॉल्व करेंगे तो 5.69% आ रहा है जो हमारा 16 का 5% तक है, 16 का उससे ज़्यादा है तो ये नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल है, तो हम इस माल को रिजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS 1786 क्लॉज नंबर 6.2.2 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नॉमिनल साइज ऑफ द बार,
यानी जो मार्केट में हमारी बार उपलब्ध है वो किस साइज की है, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, और इसके अलावा जो भी साइज आपको चाहिए तो उसको आपको सप्लायर को आपको अलग से ऑर्डर देके वो माल बनवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट इज द कंसीडर रेनफोर्समेंट स्टील वेस्टेज एज पर IS कोड, यानी कि रेट एनालिसिस करने के लिए हमें जो अगर वेस्टेज कंसीडर करना है वो कितना लेना है। वैसे तो आपका कोई प्रोजेक्ट में 2.5 से 3% होता है, BOQ में मेंशन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू DAR 5% कंसीडर किया गया है, ये आपको याद रखना है जब भी आप रेट एनालिसिस बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज़ द रेफरेंस IS कोड यूज फॉर द BBS, यानी BBS हम बनाने के लिए हमें कौन सा कोड प्रेफर करना है, कौन सा कोड यूज़ करना है। तो हमारा IS कोड 2502 है। और फिर उसके बाद आता है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ MS या TMT बार स्टील, तो हमारी 7850 kg पर MQ होती है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी चेयर रिक्वायर्ड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में कितनी चेयर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो वो हमारी 1 नंबर्स है। वैसे तो अकॉर्डिंग एक्चुअल चेयर जो हमारी साइट पे लगी हैं वही पेबल होती हैं, उसका GMR बनता है दोनों पार्टियों के बीच, कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट के बीच। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार कंसीडर ए लैप, यानी कि हम जो स्टील बार जो लैप हम कंसीडर करते हैं तो कितने मीटर पे लैप कंसीडर होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड लेंथ हमारी बार की 12 मीटर है। तो 12 मीटर के बाद जो भी अगर आपका 13 मीटर गया है तो एक लैप आ जाएगा, और ये 13 मीटर से अगर आपका 24 मीटर है तो ये आपके 2 लैप हो जाएंगे, क्योंकि 12 12 दूनी 24, आप जब 2 सरिया जोड़ेंगे तो उसकी लैप लेंथ भी माइनस करेंगे तो आपके ये इसमें जो लेंथ तैयार होगी वो आपके जो लैप आपका आएगा वो लेंथ कम हो जाएगी, इसीलिए 24 मीटर 2 बार जोड़ने पे 24 मीटर नहीं आएगा, तो इसके लिए 2 लैप कंसीडर होंगे। आप इसके अकॉर्डिंग आप लैप काउंट कर सकते हैं कि हमारे 12 12 मीटर पे लैप कंसीडर होते हैं, ये आप साइट पे भी देख सकते हैं या आप अपने ड्राइंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई अगर 36 मीटर का बीम है तो आपको बांटते हैं 36 2, यानी कि 3 लैप आ जाएंगे। फिर उसके बाद 14 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लैप लेंथ ऑफ स्टील बार अकॉर्डिंग टू डिजाइन मिक्स, यानी कि हम अगर लैप लेंथ कंसीडर करते हैं तो जो लैप की लेंथ होती है डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग कैसे ली जाती है वो देख लेते हैं। M20 के लिए 50D, M25 के लिए 49D, M30 के लिए 45D, M35 के लिए 40D और M40 के लिए 60D। जैसे कि आपका कंक्रीट 40 M40 यूज़ हो रहा है तो आपकी लैप की लेंथ जो आएगी वो कैसे कितनी आएगी, तो आपको 36 × डाया ऑफ बार आपका अगर 16 का है तो मल्टीप्लाई 16, तो आपकी जो लेंथ निकल के आएगी वो आपकी लैप की लेंथ हो जाएगी 16 × 36, तो 576 mm आपकी ये 16 mm डाया की 30 M40 के लिए लेंथ निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद आता है, व्हाट इज़ द थंब रूल ऑफ लैप लेंथ ऑफ स्टील बार, यानी कि अगर हमें ड्राइंग में लैप लेंथ का कैलकुलेशन नहीं दिया तो हम जनरली 50D कंसीडर कर लेते हैं लैप का लेंथ, 50D यानी कि 50 × डाया ऑफ बार। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 16, व्हाट इज़ द क्लियर कवर एंड नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर,
ये क्या है क्लियर कवर, अगर ड्राइंग में मेंशन है क्लियर कवर आपका 40 mm है या नॉमिनल कवर 30 mm है या आपका इफेक्टिव कवर 50 mm है, तो इसके बारे में फिगर में आपको दिखा देता हूँ। जो क्लियर कवर और नॉमिनल कवर एक ही सेम है, ये आपका कॉलम के आउटर फेस से रिंग के फेस तक होता है, ये फिगर में देख रहे होंगे। और जो इफेक्टिव कवर है वो आपका जो वर्टिकल स्टील है उसके सेंटर से कॉलम के आउटर फेस का तक, ये आपका इफेक्टिव कवर है। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ड्राइंग में मेंशन है तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। व्हाट शुड बी कंसीडर फॉर द कवर ब्लॉक साइज नॉट गिवन इन ड्राइंग। अगर आपको ड्राइंग में कवर ब्लॉक मेंशन नहीं है या छूट गया है, या आपको एक टेंटेटिव ड्राइंग बना के दे दी जाए, तो आप क्या कवर कंसीडर करेंगे। तो फुटिंग के लिए आप 50 से 75 mm तक कंसीडर कर सकते हैं, कॉलम के लिए आप 40 mm, स्लैब के लिए 20 mm और बीम के लिए 25 mm और वॉल के लिए 30 mm आप कंसीडर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ TMT बार, यानी कि आपकी जो स्टील की सरिया आती है वो कितने मीटर की आती है, स्टैंडर्ड जिस लेंथ उसकी क्या है, वो 12 मीटर है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द गेज ऑफ यूज वेंडिंग वायर इन रेन्फोर्समेंट वर्क एट अकॉर्डिंग टू IS कोड, यानी कि जो सरिये में जो हम वेंडिंग वायर यूज़ करते हैं वो कितने गेज का होता है। IS 280 के अकॉर्डिंग वो 16 से 18 गेज का यूज करना चाहिए, आप 22 गेज का या उससे ज़्यादा का यूज नहीं कर सकते हैं, आप 16 से 18 गेज का बेंडिंग वायर यूज कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी 250 से 430 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है फ्रेंड्स, अगर व्हाट इज़ द स्पेसिंग रिक्वायर्ड व्हेन द वायर डाइज चेंज, यानी कि हमारा अगर सरिया साइड पे 10 का लगना था, 10 का सरिया ख़त्म हो गया है और हमें 12 का सरिया यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या स्पेसिंग आएगी 12 डाया की सरिया के लिए। तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका D1² / D2² = S1/S2, यानी कि अगर आपका 10 का सरिया नहीं है तो 10 × 10² / 12 × 12 = जो स्पेसिंग है S1 10 mm डाया की डिवाइड बाय, अब हमें S2 निकालनी है 12 की डिवाइड बाय S2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो स्पेसिंग निकल के आएगी वो 144 की आएगी 12 के अकॉर्डिंग, अगर आपकी 10 mm डाया की स्पेसिंग 100 mm है तो 12 की आपकी 144 mm निकल के आएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें मेरा, तो मैं जिससे कि वीडियो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे लाता रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा एयर एनफोर्समेंट का ही चलेगा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको BBS बनाना सिखाऊंगा, फाउंडेशन कॉलम रिंग इन सब का मैं ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।